नमस्कार। KGF 2 का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस साल की शुरुआत में यश की इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टीजर ने न सिर्फ व्यूज के मामले में रिकॉर्ड बनाए बल्कि लाइक के मामले में भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस साल किसी भी फिल्म के टीजर या ट्रेलर ने अब तक KGF 2 का व्यूज का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। वहीं हाल ही में अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ट्रेलर KGF 2 के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अजय देवगन को भी KGF 2 के आगे घुटने टेकने पड़े। दरअसल भुज के ट्रेलर को रिलीज हुए एक दिन से ज्यादा हो गया है और इसे अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा ही लोगों ने देखा है, जबकि KGF 2 के टीजर को एक दिन में 100 मिलियन के करीब लोगों ने देख लिया था। वहीं अभी तक इसके टीजर को 197 मिलियन लोगों ने देख लिया है। कहना गलत नहीं होगा कि अजय देवगन की फिल्म भुज KGF 2 के टीजर का मुकाबला नहीं कर पाई। बता दें KGF 2 में कन्नड़ा फिल्म स्टार यश नजर आएंगे, जो कि फिल्म में रॉकी का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इस फिल्म में यश के साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी नजर आएंगी। बात करें भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की, तो ये एक पीरियड वॉर फिल्म है जिसकी कहानी 1971 में हुए भारत पाक युद्ध पर बेस्ड है। फिल्म का ट्रेलर देशभक्ति और जाबाजी के दृश्यों से लबरेज है। ट्रेलर में फिल्म के सभी किरदारों की झलक दिखाई गई है। फिल्म की कहानी IAF स्क्वाडन लीडर विजय कार्निक के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने उस टाइम पर भुज एयरबेस तैयार किया था, जिसे पाकिस्तान की सेना ने बर्बाद कर दिया था। अब कैसे वो पूरे IAF एयरबेस को दोबारा खड़ा करते हैं और कौन कौन उनकी मदद करता है, इसी को फिल्म में दिखाया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन विजय कार्निक के किरदार में है। फिल्म में सोनाक्षी, संजय दत्त, नौरा फतेही, एमी विर्क और शरद केलकर भी अहम रोल में है। अभिषेक दुदैया के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 13 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।